हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। आज का जो टॉपिक है वो है कि आप जॉब कैसे पाएं। ठीक है, बेसिकली हाउ टू गेट अ जॉब। तो जॉब कैसे ढूंढें उसके ऊपर जो है ये मेरा वीडियो है जो मैंने बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं आपको फॉलो करने हैं ताकि आपको जॉब मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपको होता है कि आपको जॉब मार्केट समझना पड़ता है। ठीक है, अब जॉब मार्केट से मेरा जो मतलब है वो ये रहता है कि आपको समझना पड़ता है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें करेंटली अभी चल रही हैं। ठीक है, क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जैसे कई काम जो थे वो आज से 5 साल पहले ज़्यादा डिमांड में थे लेकिन आज वो ज़्यादा डिमांड में नहीं है। ठीक है, तो वो जो आप एनालिसिस करते हैं ना उसको हम जॉब मार्केट का जो है अंडरस्टैंडिंग पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी करंटली मार्केट में क्या ट्रेंड हो रहा है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, कौन सी नौकरियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, और कौन सी नौकरियां आपके लिए बेस्ट सूटेड है, आप कौन सी नौकरी के लिए बेस्ट सूटेड हो। ठीक है, अगर आपको जॉब मिलती है तो क्या आप वो जॉब कर पाएंगे, मतलब जो भी आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने कैपेबल हैं उस जॉब को हैंडल करने के लिए। और सबसे आखिरी बात जो है कि आपको ये भी देखना है कि जो जॉब है, जो आप जॉब चाह रहे हैं, जो करना चाहते हैं, क्या वो आपके शहर में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कौन से शहर में अवेलेबल है और उस शहर में आप जाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात। साइड में जो है मैंने बताया कि अपनी पोटेंशियल को आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर पोटेंशियल। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता लगाना है। ठीक है, आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोडर हैं, ठीक है, तो आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छा कोडिंग कर लेते हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका कोर स्ट्रेंथ है। ठीक है, और फिर दूसरा वीकनेस आपको पता लगाने कि कौन सी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो इन दोनों को आपको पता लगाना होगा और उसके बेसिस पे आपको जॉब ढूंढनी होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड और ट्रेंडिंग इन द मार्केट, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में भी यही मेंशन किया है कि आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल आजकल जो है जॉब मार्केट में अगर आप नॉर्मल लैंग्वेजेस के बारे में ले लें तो पाइथन बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। ठीक है, और आईटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये देखना है कि करंट मार्केट में क्या चल रहा है। और अगर वो जो मार्केट में चल रहा है, जो भी चीज़ें करंट मार्केट में ट्रेंड हो रही हैं, क्या वो आपको आती हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आती हैं तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी टूल्स और टेक्नोलॉजी है, जो भी लैंग्वेज है जो आपको नहीं आता है, जो करंट मार्केट में चल रहा है, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी रहती हैं जब आप कोई एक जॉब ढूंढने निकलते हैं तो। ठीक है, और जो आखिरी चीज़ होती है, आर यू विलिंग टू टेक रिस्क। इसका मेन मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आपको ये भी देखना है कि कौन से शहर में आपको जॉब मिल रही है। फॉर एग्जांपल आप छोटे से शहर से हैं और वहाँ पे ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो क्या आप बड़े शहर में जाके जॉब ढूंढना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिस्क की बात आती, क्या आप अपना कंफर्ट जोन छोड़कर, ठीक है, बड़े शहर में जाना चाहेंगे। ठीक है, अगर जाना चाहेंगे तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। जो है अगर आपने ये दो चीज़ें देख ली, आपने अपना जॉब मार्केट सर्च कर लिया कि हाँ जॉब मार्केट ऐसा है, मेरे को यहाँ पे जॉब देखनी है, और फिर अपनी पोटेंशियल आपने देख ली कि हाँ ये मेरा पोटेंशियल है और इसके बेसिस पे ही मैं जॉब ढूंढूंगा, ये मेरा स्ट्रेंथ है, इसके बेसिस पे मैं इस जगह पे जॉब ढूंढना चाहूंगा। ठीक है, जैसे ही आपने ये दो चीज़ें प्रिपेयर कर ली अपने माइंड में, फिर अगला आता है रिज्यूमे का प्रिपरेशन। रिज्यूमे प्रिपरेशन के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो उसका लिंक जो है मैं लास्ट में डाल दूंगा, तो उसको भी आप जरूर देखें, तो उसमें आपको बारीकी से पता चलेगा कि आपको अपना रिज्यूमे बनाना कैसे है, चाहे वो फ्रेशर्स के लिए हो, चाहे वो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। ठीक
ठीक है, तो रिज्यूमे का बहुत बड़ा रोल आएगा अब। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि आपका रिज्यूमे जो है, ठीक है, रिज्यूमे क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपको कैसे जानते हैं, जो आपका रिज्यूमे देखेंगे उसी के बेसिस पे आपका इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको ये मेक श्योर जरूर करना है कि जो आपका रिज्यूमे हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई प्रिपेयरिंग ए गुड रिज्यूमे, एक अच्छा रिज्यूमे बनाए। अगर आपसे नहीं बनता है तो अपने कुलीग की हेल्प ले लें, या अपने किसी दोस्त की मदद ले लें, या किसी सीनियर की मदद ले लें जो आपको ये मदद कर सके, ठीक है। लेकिन एक अच्छा रिज्यूमे बनाएं, और फिर उसके बाद जो है उसमें नेसेसरी डिटेल्स जरूर डालें, ठीक है। आपको कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स आती हैं उसमें रिज्यूमे में आपको पूरा मेंशन करना है, और उन टूल्स और टेक्निक्स में जो भी आपको आता है उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये चीज़ आपको मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। और फिर जो अगला पॉइंट आता है वो आपका एक्सपीरियंस आता है। जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। तो उनको पूरा एक्सपीरियंस डालना पड़ता है कि किस चीज़ में उन्होंने काम किया, क्या काम किया, कौन से टेक्नोलॉजी में काम किया, कैसे काम किया, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। फिर उसके बाद अगर लेट्स से कि आप फ्रेशर हो, आप अभी जॉब ढूंढना ही स्टार्ट किया है आपने, तो आपके लिए इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इंटर्नशिप को ना भूलें, इंटर्नशिप डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और लास्ट चीज़ जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं जब रिज्यूमे बनाते हैं, वो ये है कि जो भी आपने रिज्यूमे बनाया है, ठीक है, वो प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। अलाइन का मतलब जो है कोई भी शब्द जो है ऊपर नीचे ना हो, और कोई किसी का फंड ऊपर नीचे ना हो। आप हर जगह बोल्ड यूज़ मत करें, कहीं कहीं जहाँ ज़रूरी है वहीं ही बोल्ड यूज़ करें, और जो सेंटेंस है ना वो अलाइन होने चाहिए, प्रॉपर लाइन में होने चाहिए, इसका मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और रिज्यूमे प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा दूसरा वाला जो वीडियो है, जो अगला आता है वो है आपका अपलोडिंग ऑफ रिज्यूमे ऑन जॉब पोर्टल एंड ऑन लिंक्डइन, ठीक है। तो सबसे पहले जॉब पोर्टल की बात कर लेते हैं। जॉब पोर्टल जो होते हैं, नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप जॉब अप ढूंढने के लिए अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं। पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड्स आते थे तो उसमें जॉब्स निकलती थी, ठीक है। तो लोग पेन पेपर लेके बैठते थे और उस पर टिक मारते थे, फिर फ़ोन नंबर फ़ोन से कॉल करते थे, तो वो सारी चीज़ें पहले होती थी, लेकिन अब नहीं होती हैं। अब भी थोड़ी बहुत होती होंगी, लेकिन अभी मेजर जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो जॉब पोर्टल्स को मिलता है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है Naukri.com, ठीक है। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपका सारी चीज़ें आप दिमाग में ठान लेते हैं कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड कर लेते हैं, किस चीज़ में आप स्ट्रांग हैं, और अपना अच्छा सा रिज्यूमे बना लेते हैं, फिर अगली चीज़ आ जाती है कि आपको Naukri.com में या फिर Monster.com में, दोनों वेबसाइट अच्छी हैं लेकिन Naukri.com ज़्यादा यूज़ होता है, तो Naukri.com में या Monster.com में आप अपना रिज्यूमे बनाएं और रिज्यूमे अपलोड करें और अपना पूरा का पूरा प्रोफाइल अपडेट करें वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं वहाँ। तो जैसे ही आप ये दोनों कर लेते हैं, ठीक है, फिर अगला आता है लिंक्डइन। अब लिंक्डइन मैं क्यों बात कर रहा हूँ, लिंक्डइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है लास्ट 5 सालों में। अब लिंक्डइन एक ऐसी प्रोफेशनल सोशल मीडिया वेबसाइट है जो कि आपको प्रोफेशनल से कनेक्ट करवाती है, ठीक है। तो जहाँ प्रोफेशनल से कनेक्ट होते हैं, और इनका अभी थोड़े दिन पहले ही जो जॉब का भी ऑप्शन आया है, इसमें भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, लेकिन वो पेड है, लेकिन फिर भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जब अपना आप प्रोफाइल बनाते हैं लिंक्डइन पे, तो वो आपका पूरा एक तरह से बायोडाटा ही बना देता है, एक तरह से आपका रिज्यूमे ही वो प्रिपेयर कर देता है। तो अगर आप लिंक्डइन पे आप अपडेट करके रखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, और लिंक्डइन पे जैसे ही आपका प्रोफाइल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हैं। तो किसी भी प्रोफेशनल को अगर आपका प्रोफाइल दिखता है, अगर आपको पसंद, वो लोग पसंद करते हैं आपका प्रोफाइल, तो आपको डायरेक्टली वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड में ये है कि जो अगला रिज्यूमे है वो आपको कहाँ अपलोड करना है। जो सबसे जरूरी चीज जो हो जाती है, जॉब पोर्टल तो बहुत अच्छे ही होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन जो अगला होता है वो है कंपनी वेबसाइट। कंपनी वेबसाइट्स क्या होती हैं, आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, फिर एक करियर पेज भी होता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होता है, छोटी कंपनियों में भी होता है। तो कोशिश करें जो भी आप कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते, चाहे वो आईटी की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, फार्मा की हो,
ठीक है। लेकिन उनके करियर पेज पे आप जाएं, करियर पेज पे जाने के बाद दो ऑप्शन होते हैं मोस्ट प्रॉपर्ली जो आपको मिलेंगे। या तो वो आपसे पूरा डिटेल मांगेंगे, तो आप जैसे आप naukri.com वगैरह में बनाएंगे तो आप पूरा डिटेल वहां भी फिलअप करते हैं, सेम डिटेल यहाँ भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। और फिर अगला जो होता है, आपको अपना रिज्यूमे जो है अपलोड करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ भी आप अपना रिज्यूमे अपलोड करें। और कंपनी वेबसाइट्स में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे जो करियर पेज होता है उनके पास ऑलरेडी ओपनिंग्स उन्होंने दी होती हैं, ठीक है। तो वो जो ओपनिंग उनके पास होगी, उस ओपनिंग में भी आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे जो है डाल सकते हैं। जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलता है वो ये होता है कि जब भी कोई एचआर जॉब्स के लिए हायरिंग करने का देखता है, तो सबसे पहले वो अपने करियर वेबसाइट पोर्टल पे देखता है कि कितने लोगों ने उनकी कंपनी वेबसाइट पे अप्लाई किया है। तो अगर आप उनकी कंपनी वेबसाइट पे ही सबसे पहले अप्लाई कर देंगे तो उससे अच्छी बात तो कोई होगी नहीं, क्योंकि आपका रिज्यूमे सबसे पहले चयन में जाएगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है दोस्तों इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक्टिव रहना है सोशल मीडिया। अब यहाँ पे सोशल मीडिया में मैं तीन चीज़ों की ज़्यादा बात करूँगा। सबसे पहला तो ऑफकोर्स फेसबुक है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक है, फेसबुक को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे जॉब के लिए? यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं फेसबुक में, तो कोशिश करें उन जॉब रिलेटेड ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें जिस भी शहर में आपको जॉब चाहिए, ठीक है, और जिस भी टेक्नोलॉजी की आपको जॉब चाहिए, जिस भी फील्ड की आपको जॉब चाहिए, उन सबसे सबके रिलेटेड जो है फेसबुक में ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें और उनके अपडेट्स आप कंटिन्यू देखते रहें, और जैसे ही ओपनिंग्स आती हैं आप उनमें अप्लाई कर दें। तो ये पहला एक तरीका होता है। दूसरा, जैसे मैंने लिंक्डइन के बारे में पहले भी आपको बताया, लेकिन यहाँ पे लिंक्डइन का मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या है, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, आपकी रीच हो जाती है, आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन जो है कौन सी कंपनी में काम कर रहा है और किस पोजीशन पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उनके साथ आप कनेक्ट रहें और जॉब के लिए जो है उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई पर्सन दिखता है या किसी कंपनी में वो जो भी पर्सन है वो एचआर है, तो उस अगर आपके साथ ऐड नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उनको ऐड करें और डायरेक्टली बोल दें कि आप जॉब देख रहे हैं, आपके पास ये स्किल्स हैं, तो प्लीज़ आप अपना आप मेरा प्रोफाइल जो है कंसिडर करें। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं, तो अगर उन जो एचआर जो कंपनी में है अगर उनके पास ओपनिंग होगी तो आपको कंसिडर कर लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही नया तरीका है ढूंढने का, इससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी जॉब ढूंढने में। और जो आखिरी चीज़ है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चलती है वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम जो है बहुत ही अच्छा माध्यम है जॉब ढूंढने का भी। तो टेलीग्राम में भी जैसे फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वैसे टेलीग्राम में भी बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जॉब के रिलेटेड। तो आप वहाँ पे सर्च करें, उन ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन करें, और वहाँ पे भी जैसे जैसे आपको जॉब्स की ओपनिंग आती है वैसे ही अप्लाई करें और आपको जॉब जल्दी ही मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट पार्ट है ये भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज में ये काम आ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार या दोस्त कहीं किसी बड़ी कंपनी में होंगे, तो कोशिश करें उनसे आप कांटेक्ट में रहें, ठीक है, उनसे आप बात करें कि उनकी कंपनी में अगर कोई ओपनिंग आती है तो आपको उसके लिए बताएं, ठीक है, और आपको रेफर करें उस जॉब के लिए, ठीक है। और क्योंकि उसी कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है, और आपकी जॉब में लगनी जो आपको जॉब मिलनी है वो मिलनी काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके मित्र या आपके रिश्तेदार जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे आप कंटिन्यू पूछते रहें कि जो उनकी कंपनी है वो किस चीज़ में काम कर रही है, किस चीज़ में अपग्रेड कर रही है, तो जिस चीज़ में वो काम कर रही है, जिस चीज़ में वो अपग्रेड करके काम कर रहे हैं, उस चीज़ में आप देखें कि आप कितना लैग कर रहे हैं। अगर आप लैग कर रहे हैं तो उस चीज़ को इम्प्रूव करें, आप नई नई चीज़ों को सीखें, मतलब जो जो उस कंपनी में काम आ रही हैं, क्योंकि उसी कंपनी में अगर आपको जाना है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को आप सीखें। तो इनसे क्या रहेगा, आपका इंटरव्यू क्लियर होने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और उस दूसरी बात जो है रेफरेंस आपको मिला ही रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे तरीके थे दोस्तों जॉब पाने के, किसी भी बड़ी कंपनी या किसी भी कंपनी में अगर आप जाएं तो ये सारे तरीके बहुत ज़रूरी हैं, इन सब चीज़ों पे आप काम करें, है ना दोस्तों। आज का सेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था मेरे लिए, काफ़ी मेहनत करके मैंने ये चीज़ें बनाई हैं।
और होप करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया हो, और मैं तो चाहूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि और कैसे कैसे तरीकों से जो है जॉब को ढूंढा जा सकता है। तो कोशिश करें इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मेरा प्रयास ही यही है कि आप लोगों की मदद हो पाए और अच्छे से आप लोग अपना जो लाइफ है वो जी पाए। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।